ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 7वीं साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर गुरुवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोरखनाथ मंदिर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का गोरखपुर में आगमन देव योग से हुआ। उनका जन्म ऐतिहासिक मेवाड़ वंश में हुआ था। उनका गोरक्षपीठ को मिला मार्गदर्शन व उनका कृतित्व हम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने न केवल धार्मिक आध्यात्मिक अपितु शैक्षिक व स्वास्थ्य से संबंधित संस्थानों की स्थापना करके पूरे पूर्वांचल के साथ देश को आदर्श नागरिक देने का कार्य किया और इसी कड़ी को मेरे पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने और आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की संस्कृति संस्कृत और संस्कारों की संस्कृति है। इसको अनुभव करते हुए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की। उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृत व संस्कृति के संरक्षण के साथ ही गो संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। गोवंश के संरक्षण व संस्कृत संरक्षण के लिए सरकार ने मठ मंदिरों का आह्वान किया है कि सरकार के साथ सभी का योगदान होने पर यह कार्य अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि जिन विसंगतियों के कारण देश का विभाजन हुआ, जिन मूल्यों के पतन होने से हिंदू संस्कृति में गिरावट हुई, उन सभी विसंगतियों के लिए पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी व पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने अनेक प्रयास किए। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के तरफ से हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ ने राष्ट्र धर्म को सभी धर्म से ऊपर माना। उन्होंने माना कि भारत को यदि भारत बने रहना है तो इसकी कुंजी सनातन हिंदू धर्म एवं संस्कृति में है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आनंद मठ की सन्यासी परंपरा के वे साक्षात प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने राष्ट्र धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म माना और बताया कि राष्ट्र की रक्षा भी सन्यासी का प्रथम कर्तव्य है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वरों द्वारा प्रारंभ की गई यह परंपरा आगे भी निरंतर चलती रहेगी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि वर्तमान युग में साधु संतों को मठ मंदिरों से बाहर निकलकर देश और समाज के लिए काम करने का मार्ग इस पीठ ने दिखाया। मोदी योगी देश के विकास पुरुष हैं। ये दो व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र के वैचारिक अधिष्ठान के प्रतिकूल हैं। इस पीठ के पीठाधीश्वरों को जन और धन का जितना व्यापक समर्थन मिला उतना शायद ही किसी पीठ को मिला हो, लेकिन उस व्यापक जन समर्थन को इस पीठ ने राष्ट्र और समाज के हित में समर्पित कर दिया। इस पीठ के पीठाधीश्वर आध्यात्मिक परंपरा एवं ऊर्जा के प्रतिनिधि हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज इसी परंपरा के निर्माणकर्ता हैं। अरल प्रयागराज से पधारे स्वामी गोपाल महाराज ने कहा कि स्वतंत्र संघर्ष में आध्यात्मिक शक्ति का जागरण करने में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का आवाहन राष्ट्र धर्म बन गया। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के साथ इस पीठ के पीठाधीश्वरों ने कभी समझौता नहीं किया। पीठाधीश्वरों के शरीर बदले किंतु प्राण और आत्मा वही रही। अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ जी ने राजनीति को धर्म के खूंटे से बांधा। महंत दिग्विजयनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी एवं महंत योगी आदित्यनाथ जी वैश्विक क्षितिज पर राजनीति और धर्म के द्वंद्व के उत्तर हैं। दुनिया के राजनीति इतिहास में इस पीठ ने उस विशिष्ट परंपरा को प्रतिष्ठित किया है जो धर्म और राजनीति को सिक्के का एक पहलू मानती है, जो परंपरा राजनीति को भी लोक कल्याण का साधन मानती है। भारत की इस सनातन परंपरा के वैचारिक अधिष्ठान को इस पीठ ने वर्तमान युग में व्यवहारिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया है।
रोहतक हरियाणा से पधारे अलवर राजस्थान से सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज ने कहा कि गोरक्षपीठ की यह श्रद्धांजलि सभा इसलिए विशिष्ट है कि संसद और विधानसभाओं में राष्ट्र और समाज से संबंधित जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती वह विषय इस श्रद्धांजलि सभा में विचार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का नाम आते ही गोरखपुर का विकास दिखता है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाएं दिखाई देती हैं। हिंदुत्व का मान सम्मान दिखता है। राष्ट्र पर मरमिटने वालों की फौज खड़ा करने का जज्बा दिखता है। भारत नेपाल संबंधों की मिठास दिखती है। ऐसे युग पुरुष को ही देश और समाज याद करता है। जूना अखाड़ा गाजियाबाद महंत श्री नारायण गिरी जी ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा एवं सेवा के क्षेत्र में श्री गोरक्षपीठ ने जो प्रतिमान खड़ा किया है वो पूरे देश में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इस मौके पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की विभिन्न संस्थाओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किया। संस्कृत विद्यापीठ आपकी संगीतमय प्रस्तुति के बिना ये सभा औपचारिक रूप से प्रारंभ नहीं है। ऐसा मुझे लगता है। अब आप गायन को बालकनाथ जी की तरफ से पुष्पांजलि और दोनों पूज्य संत जनों को गोरक्षपीठाधीश्वरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात मंच पर विराजमान होते हुए पूज्य संत जन सज्जनों बैठ जाएं, बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाएं। पूज्य महाराज श्री के विराजमान होने के पश्चात बच्चे भी अपने स्थान पर। मैं आज के इस मंच पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी एवं मनस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री, प्रयागराज से पधारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, अरैल आश्रम प्रयागराज से पधारे स्वामी गोपाल जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम से पधारे महंत सुरेश दास जी महाराज, रोहतक हरियाणा से पधारे तथा अलवर राजस्थान से सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज, हरिद्वार से पधारे योगी चताईनाथ जी महाराज, अयोध्या से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जूना अखाड़ा गाजियाबाद से पधारे महंत श्री नारायण गिरी जी, अयोध्या धाम से पधारे स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे महंत शेरनाथ जी महाराज, बड़े भक्तमाल अयोध्या धाम से पधारे महंत अवधेश दास जी, अयोध्या धाम से पधारे स्वामी दिनेशाचार्य जी, देवीपाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर बलरामपुर के महंत मिथिलेशनाथ जी महाराज, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी एवं मंच के सामने विराजमान पूज्य संत जन, विद्वत जन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय संस्था प्रमुखों, आचार्यों, प्राचार्यों, प्रिय छात्रों, विद्यार्थियों, आप सबका आज की प्रातःकालीन सत्र की इस सभा में, इस श्रद्धांजलि सभा में आप सबका
अभिनंदन और वंदन। मंच पर विराजमान हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए प्रयागराज से पधारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत पूरे छात्र समुदाय की तरफ से, पूरे सभागार की तरफ से, विद्वत जनों की तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से और संपूर्ण महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से। एवं पूज्य ब्रह्मदेव अवैधनाथ जी महाराज किसी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। गोरक्षनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग अथवा गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तरफ से एवं सभी परिवार की तरफ से ब्रह्मदेव दो महाराज जी के श्री गुरु चरण में श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत की जितनी अच्छी शिक्षा जो पुरुष ब्रह्मी मन इंद्रनाथ जी की बावनी एवं राष्ट्र संत ब्रह्मी मन अवैधनाथ जी की सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की मातृ संस्था महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिवार सिविल लाइन्स गोरखपुर की तरफ से पूज्य महाराज के चरणों में कृतज्ञ भाव से अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गोरखपुर सिविल लाइन्स महाराणा चिल्ड्रंस अकेडमी एवं महाराणा प्रताप निश्चल ट्रेनिंग कॉलेज के परिवार की तरफ से आज जो पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी के भावन में एवं जो पुरुष राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज के साथ में पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। चरणों में बैठ कर एक बार आप अपने भाव भावना से आप समर्पित हो जाएं तो लाखों लाख का नुकसान करने वालों को भी माफ करते हुए मैंने देखा है। पूज्य महान अवैधनाथ जी महाराज यहाँ के पीठाधीश्वर और अपने सबके हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए हमारी बड़ी प्रसन्नता एवं वस्तु आदेश हमको जो है प्रेरणा साधना और योग सब चीज़ों को हमें प्राप्ति होती है कि हमारा आध्यात्मिक भौतिक सब प्रकारों का विकास विशेष रूप से होता है और हमेशा से हम लोग को गोरखपीठ में आते रहते हैं। जब महाराज जी जीवित थे महाराज अवैधनाथ जी महाराज तो हमने एक बार योगी जी महाराज से निवेदन किया कि यहाँ पर बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं महाराज जो कि इसमें कुछ चेतना कम है तो महाराज बोले कि हमारे गुरु महाराज की आत्मा इसमें बसती है तो सब में बोले पूरे विश्व में चेतना के रूप में सब यहाँ पर है और महाराज जी का हमेशा जो भी इच्छा होता है बोले तो हम लोग उसका बोले अनादर नहीं करते। पक्ष में हमारा एक गौरव है हम सबका ही नहीं अभी तो पूरे यूपी और पूरे भारत और पूरी दुनिया के अंदर जो आज भारत के वासी भारत की सभ्यता को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में जहां भी रहते हैं उन सब की आशा के किरण ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष
परम सरदेय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उपस्थित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, उनके भी मैं श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित स्वामी गोपाल जी महाराज, जगत गुरु राजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, महंत सुरेश दास जी महाराज, हमारे योगी महासभा के महामंत्री योगी श्री चैतन्यनाथ जी महाराज, स्वामी राघवानंद जी महाराज, नारायण गिरी जी महाराज, बापू शेरनाथ जी महाराज और मंचा सिंह, सभी बहुत ही मान और श्रद्धा के योग्य हमारे सभी संतव्रत, सामने विराजमान सभी संतव्रत, उपस्थित सभी महानुभावगण और संस्थान के सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं और हमारे छात्र छात्राएं, आज इस कार्यक्रम में पहले भी आया हूं, आज पुनः आना हुआ है और यही भाव इस मंच के माध्यम से मुझे सुनने को मिले, देखने को मिले और यहाँ जब मैं पहले नहीं भी आया था तब भी ये भाव इस गोरखपीठ के हमको पूरे भारत में सुनने को मिलते रहे कि जिस प्रकार से हिमालय ने इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र की और पूरे भारत की, जिस प्रकार से हिमालय ने इस प्रकृति के, इस वातावरण की, हमारे राष्ट्र की रक्षा की है, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों ही महान विभूतियों ने, महंत दिग्विजयनाथ जी और महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, हमारे राष्ट्र के अंदर हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की रक्षा की है। ये पूरा भारत जानता है और पूरा भारत समझता है कि आज इस पूर्वांचल में अपने इस देश को, अपने इस देश की भूमि को, इस पूरे गोरखपुर के क्षेत्र को अगर कोई अखंड और एकजुट रख पाया है तो यही गोरखपीठ रख पाई है और यही हमारी महान विभूतियाँ रख पाई है। संबद्ध है और वो पूरा संकल्पित है और पूरे विश्वास के साथ में पूरा भारत ये आवाज को उठाता है कि निश्चित रूप से इन दोनों ही महान विभूतियों के सानिध्य में चलकर, इन दोनों ही महान कर्म योगियों के साथ मिलकर हमारा भारत आने वाले समय पर पुनः सोने की चिड़िया भारत बनेगा और पुनः विश्व गुरु भारत बनते हुए पूरे विश्व को एक साथ मिलकर पूरे वासुदेव कुटुंबों के भाव से अपने भारत की कीर्तिमान की स्थापना पूरे विश्व भर में करेगा। मैं इस अवसर पर यह भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हीं महान तपस्वियों की तपस्या का फल है कि आज गोरखपुर का नाम पूरे भारत नहीं पूरे विश्व भर में है। शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर ने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोरखपुर ने, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गोरखपुर ने एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। हम सभी गोरखपुर वासियों को ये गर्व की अनुभूति होती है कि गोरखपीठाधीश के करकमलों के द्वारा, गोरखनाथ जी के आशीर्वाद के द्वारा, एक नहीं तो आज से आज़ादी के बाद में काफ़ी वर्ष पूर्व यहाँ पर दिग्विजयनाथ जी की कृपा से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, लेकिन आज पुनः वो अवसर हम सबको देखने को मिला है। इसी वर्ष के अंदर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की, जो कि पहला उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय यहाँ पर गोरखपुर में आगे आने वाले समय पर निर्माणाधीन होगा और इसी वर्ष वो संचालित हो रहा है। उसी के साथ साथ मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि हमारे इस गोरखपीठ के द्वारा संचालित महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना पिछले वर्ष हुई है, उससे भी हम सबको इस समाज के अंदर एक शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के साथ साथ में समाज में आपस में एक भाईचारे के संदेश को और उसके साथ साथ में समाज में एक राष्ट्र भावना के संदेश को भी हम इन दोनों ही विद्यापीठों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। महाराणा प्रताप के वंश जहाँ आज भी कांगड़वा ग्राम के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, उनकी घटना, उनकी चर्चा और किस तरह से यात्रा में संतों के द्वारा वे स्वीकार कर लिए गए दिग्विजयनाथ जी महाराज, वो चर्चा, वो महत्वपूर्ण बात। ये सामान्य सिद्धांत है कि जितना पुत्र में नहीं उससे भी ज़्यादा पौत्र में गुण आया करता है, यही वैशिष्ट्य है। कुछ हमारे राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज के अंदर राष्ट्रभक्त का वह पूर्ण रूप से गुण था जो दिग्विजयनाथ जी ने उनके अंदर धारण कराया था अपने संस्कार के द्वारा, और हम लोगों को भी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक की मंडल में बैठक हो, चाहे अयोध्या में संत समाज की कोई बैठक हो,
और परमहंस जी के साथ, रामचंद्र जी के साथ उनकी जोड़ी, उनकी चर्चा, वो परस्पर मार्गदर्शन करती थी कि संतों को कितना सहज और सरल होना चाहिए। उनकी सरलता को, उनकी सहजता को और उनकी उस उदात्त राष्ट्रनिष्ठा को मैं प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे ही दिग्विजयनाथ जी महाराज राष्ट्र स्वतंत्र हुआ और उन्होंने भगवान राम के विराजमान अभिराम दास जी महाराज जी के और अपने साथ मिलकर के उन सब लोगों ने, जिसमें कि हमारे वैदिक गुरु जी पंडित बिंधेश्वरी प्रसाद शुक्ल जी भी वयोवृद्ध हैं, आज अत्यंत वयोवृद्ध, उन सब लोगों ने ऐसे जुड़ करके स्थापित किया और कैसे भगवान को स्थापित कर दिया, कैसे भगवान को विराजमान कर दिया वहाँ पर, वो सीधी धारणा। और सीधे श्री अवैधनाथ जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करते हुए, अध्यक्षता स्वीकार करते हुए उसको आगे बढ़ाना, और आज वही राणा प्रताप जी के खानदान में उत्पन्न पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज जी की प्रशिष्य की स्थिति में विराजमान हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो भी इसी तरह से राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सिद्धांत के लिए, हिंदुत्व के लिए इस तरह से समर्पित है, जैसे विक्रमादित्य जी ने, जैसा कि कहा हमारे गिरनार वाले महाराज जी ने कि हाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले, क्या नाम था उनका योगी जी, हमारे सांसद जी बालकनाथ जी ने, उन्होंने कहा कि भरतघेरी जी के और किस तरह से महाराज श्री ने विक्रमादित्य के राज्याभिषेक की योजना बना करके इसे राज्याभिषेक पर उनको अभिषेक किया। महाराज जी को सतत श्रद्धांजलि देते हुए महंत दिग्विजयनाथ जी को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति। दिग्विजयनाथ जी महाराज और परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जो हिंदुत्व के लिए एक ऐसी ज्योत जगाई, वह ज्योत आज पूरे विश्व को प्रकट करने जा रही है। मुझे एक बात बहुत दिन के बाद सुनने को मिला, हमारे एक विद्वान ने भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृत तथा भारत की भारतीयता उसी प्रतिष्ठा के कारण दो है, संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति। आप दोनों की दुर्दशा है, खासकर अन्य प्रांतों की बात नहीं कह सकते, लेकिन मध्य प्रदेश तो बिल्कुल समाप्त सा है, संस्कृत के विद्यालयों की बड़ी दुर्दशा है, समाप्त प्राय। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे डॉक्टर छात्र विद्वान और भारत के पूर्व राष्ट्रपति समय शिक्षा मंत्री थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने मध्य प्रदेश से संस्कृत को भ्रष्ट कर दिया। वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं पढ़ाई तो भगवान के भरोसे। प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। गुरु शांति शांति। योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज के समारोह में जिनका श्रीवचन अभी प्राप्त हुआ है, जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज मंच पर उपस्थित, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु पूज्य स्वामी
विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज परेल प्रयागराज से पधारे, सच्चा बाबा आश्रम से पूज्य स्वामी गोपाल जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक से पधारे और अलवर से लोकप्रिय सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री महंत योगी चेताईनाथ जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे महंत शेरनाथ जी महाराज, जूनाखाड़ा के श्री महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज, स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन, विद्वजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के सभी आचार्य प्राचार्य और प्यारे छात्र छात्राएं, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की आज 52वीं पुण्यतिथि है। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का आगमन देवयोग से हुआ था। राष्ट्रक्षा के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होती, कोई संकोच नहीं किया। व्यक्तिगत सुख की चिंता के बगैर अपना संपूर्ण समर्पण इस धर्म के लिए, इस देश के लिए किया। स्वाभाविक रूप से वही वंशानुगत संस्कार गोरख स्पीड के साथ में आगे बढ़ा करके गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू धर्म और नाथ संप्रदाय से जुड़ी थी, उन सभी संस्थाओं के साथ जीवन पर्यंत आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के लिए संस्कार होते हैं और उसके अनुरूप के आचरण में करता है। महाप्रताप शिक्षा परिषद यानी की पहली संस्था महाप्रताप कॉलेज की स्थापना के पीछे की अपने स्कूली शिक्षण के प्रति, जिन्हें एक स्थानीय स्कूल में से विवाद के कारण निकाल दिया गया था, नौकरी से बाहर कर दिया गया था, अपने स्कूली गुरु के लिए उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने 1932 में महाराणा प्रताप स्कूल की स्थापना की। वही बाद में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की आधारशिला बनी और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण संस्थाएं सेवा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं इस शिक्षा परिषद के सानिध्य में गोरखपुर के आज परिसर में संचालित होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में शिक्षा का, स्वास्थ्य का और राष्ट्रीयता के जागरण के अभिनव यज्ञ करके
आजादी के आंदोलन की बात करें तो या आजादी के आंदोलन के उपरांत कैसा भारत होना चाहिए, किस प्रकार का भारत होना चाहिए, यह हम सबको देखने को मिलता है। उस कालखंड में उन संघर्षों के साक्षी बने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के व्यक्तित्व से, उनके संघर्षों से, उनके कृतित्व से। चौथे दिन से उन्होंने वर्ष की मैं जिस केवल आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा के साथ ही नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति के हर धार्मिक पीठ को क्या करना चाहिए, इस लोकतंत्र की व्यवस्था का संचालन करना चाहिए, इसके लिए कुछ मानक बताए गए। उसकी अभिवृद्धि करने में मेरे को जो प्रयोग महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज ने और आप सभी संस्था अनुसरण करते हुए गोरख स्पीड और उससे संबद्ध सभी संस्थाएं और उसका अनुसरण करते हुए निरंतर महायोगी गुरु गोरख साथ जी शिल्पों संतों और योगियों की स्वरूपता को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। भारत और भारतीय संस्कृति मुझे लगता है कि इन दोनों को बचाने के लिए हर भारतीय को तैयार होना होगा। आज जब देश एक नए भारत बनने को अग्रसर है, हर एक क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अपना आत्मावलोकन करना होगा। आत्मावलोकन इस बात को लेकर के आखिर इस देश के लिए, इसकी महान संस्कृति के लिए मेरे दायित्व क्या है, क्या मैं उन दायित्वों का निर्वहन कर पा। सदियों से जमी कुछली भावनाओं का क्या सम्मान देश के अंदर नहीं मिलना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हर स्तर पर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता और सरकारें उसी प्रकार से अपने उन दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का बड़ा प्रयास कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश से इस बात के लिए कहा है, अब धार्मिक पीठ अपने यहाँ संस्कृत विद्यालय में सरकार उसने सहयोग करे और हमने तभी तमाम संस्थाओं को कहा कि देखिए शिक्षकों की तैनाती संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती आप करिए, लेकिन योग्यता का आधार नहीं, लेकिन योग्यता कौन देगा, योग्यता तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय को, संस्कृत के संस्थानों को, आश्रमों को ही देना होगा। आश्रम संस्कृत की जरूरत नहीं होगी, अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट जरूर कर देगा और मुझे लगता है कि उसके आने से संस्कृत की और भी दुर्गति होनी है और संस्कृत की नहीं संस्कृति की और भी दुर्गति होगी। इसलिए अयोग्यता से अच्छा है कि योग्य व्यक्ति को तराशने का कार्य और हर एक संस्था को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा, तब केवल सरकार के होंगे योग्यता को तराशने का कार्य नहीं होगा, बल्कि हमारा हर धर्माचार्य हर पूज्य संतजन अगर इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन अपने ऊपर कर दे तो मुझे लगता है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों की रक्षा होगी, वो रक्षा भी होगी, दो धाम किएंगे और वो माता को सड़कों पर छोड़ देंगे, इससे वो रक्षा नहीं होगी। सरकार सहयोग कर रही है, सरकार ने तीन प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में संचालित की है, निराश्रित दो आश्रय स्थल की 6 लाख कौन से है उसमें जिसमें सरकार उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कर रही है। दूसरा गोवंश की सेवा के लिए सिद्धांत योजना,
सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में चार गोवंश को रखेगा और निराश्रित गौ सेवा स्थल पर हर गाय का हर महीने 900 रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी, यानी चार गाय का 2600 रुपए हर महीने उस किसान को जो सरकार की तरफ से गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा और साथ साथ 2600 रुपए हर महीने उस परिवार को प्राप्त होंगे। दूध उसका होगा, सब कुछ उसका होगा। और तीसरा, हम लोगों ने योजना चलाई है कुपोषित माताओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक एक गाय उन परिवारों को देकर के हर गाय का पालन व पालन पोषण के लिए भी 900 रुपए हर महीने उस परिवार को देते हैं। और ये व्यवस्था प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने अपनाई है वहां पर ये व्यवस्था चल रही है। मुझे अफसोस है, एक भी धार्मिक स्थान ने अब तक हम लोगों से एक भी गाय सरकार से नहीं ली और वे इस प्रकार की व्यवस्था के साथ खोलने में रुचि नहीं ले पाते, जबकि मूल काम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का होना चाहिए। और इसलिए मेरी अपील होगी, धर्म की रक्षा तब होगी जब हम उनके मूल को समझने का प्रयास करें, उन मूल्यों को समझने का प्रयास करें। वो रक्षा भाषणों से नहीं, वो रक्षा के लिए हमें गौ माता की किस प्रकार की श्रद्धा का भाव अपने स्तर पर जितनी व्यवस्था कर सकते हैं उसको हम आगे बढ़ाए, लेकिन शासन स्तर पर भी अगर हम प्रयास करेंगे तो उसको भी अगर हम अपने साथ जोड़ करके और अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि गोरक्षा में आप गोरक्ष पीठ में जाएंगे जहां प्रसाद बना करके जहां जितना प्रसाद बना है सब गौ माता के गोबर गैस से जो गैस उपलब्ध हो रही है उसी ईंधन से पूरा यहाँ पर प्रसाद बन रहा है, यानी ऊर्जा की स्रोत भी गौ माता है। हमारे खेतों में जितना भी अन्नपूर्ण होता है ये गाय के गोबर गाय के खाद से ही होता है। आप देखिए उसमें मार्केट में उसमें उसमें कितना अंतर है, एकदम स्वादिष्ट है, एकदम मीठा बन है उसमें। ये हर जगह हो सकता है, हर स्तर पर हो सकता है, सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब मूल्यों के लिए ये पुरुष ब्रह्मी महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। हमें गोरक्ष पीठ के वंश से आकर के कभी सांप्रदायिक भेद को नहीं माना, जाति भेद को नहीं माना, छुआछूत और स्पृश्यता के भेदभाव को भी सदैव समाप्त करने के लिए जब भी आवश्यकता पड़े चाहे वो यहाँ पर ब्रह्मी महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हो या मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मी महंत अद्वैत नाथ जी महाराज, वे निरंतर और मंचों से इसकी आवाज उठाते रहे, उसके लिए लड़ते रहे, कार्य करते रहे, क्योंकि समग्र हिंदू समाज की रक्षा तब हो सकते जब सब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ेंगे। जब पूरा भारत बिना जाति भेद के बिना क्षेत्र के बिना भाषावाद के एकजुट होकर के एक स्वर में एक साथ बोलेगा तो भारत की ताकत बनेगी। जब हम जाति के भेद से समाज को विभाजित करेंगे अलग अलग स्वरूप देंगे विभाजित स्वर कहीं ना कहीं धर्म विरोधी और भारत विरोधियों की चपेट में आएगा और विभाजन हम सब के लिए गुलामी का कारण बनेगा। और इन सब बातों को ये दोनों गोरक्ष पीठ के आचार्य पर अच्छी तरह समझते इसलिए अहर्निश सुख का प्रयास करता क्यों विसंगतियों को जिन विसंगतियों के कारण देश प्राचीन हुआ ये विसंगतियों के कारण देश और धर्म प्राप्त होता गया उन विसंगतियों को हर हाल में हमें समय रहते हुए उसका कहीं न कहीं उस विसंगतियों को दूर करना ही होगा और इसके लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। आज मुझे प्रसन्नता है कि विगत 7 दिनों से इस साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम गोरक्षपीठ की ओर से यहाँ पर आयोजन समिति की ओर से विगत 50-52 वर्षों से निरंतर चल रहा है और यहाँ आज यहाँ पर न केवल यहाँ पर बल्कि महाराष्ट्र शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं में आयोजन वहां पर आयोजित हो रहे हैं। अपने संस्थापकों के प्रति हमारा दायित्व भी
कि उनके मुंडन और उनके आत्मसात होने की बात है। वो सपने जीवन का आत्मसात करे, उसके अनुरूप केवल विचार ही व्यक्त न करें बल्कि आचरण भी करें। अभी आचरण ही हमें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएगा। मैं आज के अवसर पर ब्रह्म महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि का आयोजन है। मैं मंच पर उपस्थित अपने पूज्य संतों का, इस सभा का, व्यवस्था सभी पूज्य संतों का, सभी सामान्य अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके प्रति यहाँ पर सबका सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारतवासी शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई जितनी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं, अपने संस्थापक के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रही है, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कि श्रद्धा मान भक्ति ज्ञान याद रखना, अगर जीवन में हमारे मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, जीवन में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। श्रद्धा का भाव धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारे मन में हर इस मना लेना चाहिए। और ये श्रद्धा का भाव बढ़ा मतलब शिक्षा परिषद उससे सबल संस्थाएं आज अपने संस्थापक ब्रह्मवीर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर व्यक्त कर पाते हैं। इसके लिए सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने से धन्यवाद देते हैं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। योग दिवस ब्रह्मवीर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को उनकी 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और आज के प्रातःकालीन सत्र की सभा ब्रह्मलीन महान दिव्यनाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि सभा यही पूर्णता को प्राप्त होती है।